नमस्कार। हालांकि ये घटना 1-1.5 हफ्ते पुरानी है, पर मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि अभी एक मामला सामने आया है। हैदराबाद का मामला है। यहाँ पर एक मोहम्मद सिद्दीकी नाम का आदमी था, उसके साथ 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये आदमी का पहले का नाम सत्यनारायण था। ये आदमी खम्बम से और वारंगल से और जो अंदर के एरियाज थे वहाँ से जो है गरीब हिंदू बच्चों को रुपये खाने पैसे मतलब उसके लालच में ला के पढ़ाने लिखाने के लालच में ला के इन बच्चों को ला के वहाँ पर धर्मांतरण का काम कर रहा था। उन्हें उर्दू अरबी सिखा रहा था। एक संस्था ने के किसी आदमी ने पुलिस को संपर्क किया और बताया कि एक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय यहाँ चल रहा है और यहाँ पर मोहम्मद सिद्दीकी उर्फ सत्यनारायणा और उसके 8 साथी जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसमें से 4, 15, 18 साल के लड़के लड़कियाँ थे, जिसमें से 7 लड़कियाँ थी। और उसकी खबर जैसे पुलिस को मिली, जो सहायक पुलिस आयुक्त थे जी संदीप मलकाजगिरी डिवीजन के, उन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने ये बताया कि ये आरोपी तेलंगाना के भद्रचल, महबूब नगर, खम्बम और वारंगल के अंदरूनी इलाकों से बच्चों को लेकर आते थे। और जब आपको हैरत की बात ये होगी जान के कि ये सारे बच्चे हिंदू आदिवासी या हिंदू अनुसूचित जनजाति के थे और इन लोगों को रुपये और घर पैसे के लालच में इनको लाया जाता था और माँ बाप से कहा जाता था कि इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि उर्दू और अरबी पढ़ के, कुरान पढ़ के कौन से बच्चे का जीवन अच्छा होता है? और इन बच्चों का धर्मांतरण कर दिया गया था और मज़े की बात ये कि इनके नाम नहीं चेंज हुए थे, तो इस कारण ये ईजिली पकड़े गए। और जो संस्था है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिसने इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। और आपको ये मालूम होगा कि ये जो जितने भी धर्मांध मुसलमान हैं, ये पहले तो इनका अगर आप इतिहास उठा के देखें तो ये पहले महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे ज़ोर ज़बरदस्ती से, या फिर युद्ध में जीत के लाते थे, उनको प्रताड़ना देते थे, उनका धर्म परिवर्तन करते थे या सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे। और आज भी लव जिहाद के माध्यम से ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये पहला ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि ये गरीब हिंदू लोगों को टारगेट करके या उनको पिछड़ा हिंदू साबित करके या छोटा हिंदू साबित करके, हिंदू तो हिंदू है भाई, ये सब साबित करके उनको खाने के लालच से, रुपये के लालच से या बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लालच से सिटी की ओर ले जाने का बहाना बनाकर उनको यहाँ लाते हैं, उनको अरबी फारसी या कुरान और कुरान पढ़ाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं बिना माँ बाप की इजाज़त लिए। अब जब बच्चा कुरान वगैरह पढ़ लेगा तो वो अपने ही धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने धर्म का तो ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारे जो मॉडर्न हिंदू माँ बाप हैं या फिर जो हिंदू हैं, जो पिछड़े भी हिंदू हैं या किसी भी तरह के हिंदू हैं, वो लोग अपने धर्म शास्त्र नहीं पढ़ते। ये कमज़ोरी हमारी है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अब बच्चों के साथ भी जिहादी इस तरह का, धर्मांध लोग जो हैं इस तरह का खेल कर रहे हैं। और हमें अपने आसपास कम्युनिटी में ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी गरीब हमारी कम्युनिटी का है तो हमें अपने साथ साथ अगर कुछ हम उसे भी पूछ लें, उसका भी हम सहायता कर दें या काम पे रख लें, अगर हमें कुछ उसे काम की ज़रूरत है और वो हमारे उपयोग में आ सकता है तो हम उसको अपने काम पे रख लें या उसके बच्चे को थोड़ी शिक्षा दीक्षा दे दें। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, तो अगर उनके बच्चों से वो उनकी अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए तो एक बच्चे का वो अगर गोद नहीं भी लेते हैं, वो दूर से ही उसकी फीस वगैरह जमा कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात होगी। किसी गरीब का भला हो जाएगा और अपनी कम्युनिटी का भला हो जाएगा। और हिंदुओं को धर्मांध मुसलमानों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बेटियों पे ही लव जिहाद का खतरा नहीं, बच्चों पे भी धर्मांतरण का जिहाद की तलवार लटक रही है और हमें हर तरह से इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और हमारी भी गलती है, हमें अपने धर्म शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन बाइबल पढ़ता है, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हिंदू हैं जो गीता पढ़ते हैं या थोड़ी सी वेद वगैरह पढ़ते हैं। तो जितनी भी आप, कम से कम आपको जब आपके धर्म को लेकर कोई चीटाकशी करे तो आपको वो कहानी, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे खासकर धर्मांध लोगों ने मुझे जो बात कही, वो कहा कि गणेश जी का धड़ क्यों, उनकी क्या सर्जरी हुई थी, तो जिस तरह की मजाक उड़ाते हैं या बात करते हैं जब वो बहस करते हैं, तो आप में कम से कम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बता सकें कि ऐसा क्यों हुआ था या आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी आंखों से नज़र आ जाए। इसलिए हिंदुओं, धर्मांधों से सावधान हो जाओ
और अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को धर्मांध मुसलमानों के चंगुल में आने से बचाओ। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आप सबसे अब विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने धर्मशास्त्र थोड़े बहुत पढ़ेंगे एटलीस्ट, और मेरी मानिए तो पूरे पढ़ डालिए, और अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताइए, जिससे हमारा सनातन धर्म जो है किसी खतरे में ना आए और भारत सीरिया मौसूल और इराक ना बने, क्योंकि अरबी और उर्दू पढ़ने से कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी। जब मॉडर्न शिक्षा होगी और उसके साथ साथ अपने धर्मशास्त्र जो पुराने हैं वो पढ़ेंगे तो माइंड भी अच्छा होगा और हमें हर जगह कामयाबी मिलेगी। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आप सबसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।